प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबों को, आप सबों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ सबों को कि परमेश्वर ने आपसे और मेरे से प्रेम किया और आपको और मेरे को पाने के लिए बहुत बड़ा मूल्य चुकाया और उसने अपना लहू को दे करके हमें मोला है, हमें खरीदा है। इसी से जुड़ा हुआ ये हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएं। कीने ले ले तो नहीं के प्रेम के लिए जो आपने मुझसे किए और आप अपने लोगों से जो प्रेम किए, उस प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। और आपके बलिदान के लिए जो हमारे लिए है, धन्यवाद। जीवन के तो यीशु बदल दे ले तो कीने ले ले तो दे के अपन लहू। और जीवन के तो यीशु बदल दे ले तो कीने ले ले तो दे के अपन लहू। मुके छोड़ाई के प्रभु ज्योति में तो लान ले, मुके बचाए खातिर स्वर्ग छोड़िया। और जीवन के तो यीशु बदल दे ले तो कीने ले ले तो देखे आपन लहू। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए। जब हम पापी ही थे, जब हम गुनाहगार ही थे प्रभु जी, आपने अपना प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट किया, अपना भलाई को हमारे जीवन में प्रकट किया। धन्यवाद प्रभु। प्रेम कर भालाई तो प्रागत कर ले, जब मैं पाप में पड़ल रहूं, मोर निर्बलता में जीवन में मर आने, सकते सामर्थ से मर दे ले। श्राप से छुड़ाई के जीवन नया दे दे ले, खुशी और आनंद से भर दे ले, खुशी और आनंद से भर दे ले, खुशी और आनंद से भर दे ले। और जीवन के तो यीशु बदल दे ले तो प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम उस पिता से बिछड़े थे,
उस पिता से दूर थे, आपने ऐसा किया, अपने आप को दे करके उस पिता से हमारे रिश्ता को फिर से जोड़ दिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम पिता से दूर थे। स्वर्गीय बाप से तो रिश्ता जोड़ ले, मैं तो कर से दूर रहलो। पवित्र आत्मा तो मोर खातिर भेज ले, सच्चाई जीवन डाहर देखा ले। तोर बट जो ही मोय तोर गवानी, मोय ना रहलो मोय होई गेलो तू, मोय ना रहलो मोय होई गेलो तू, मोय ना रहलो मोय होई गेलो तू। मोर जीवन के तो यीशु बदल दे, के तू यीशु बदल दे ले तो, कीने ले ले तो देखे आपन लहू। मुके छोड़ाए के प्रभु ज्योति में तो लान ले, मुके बचाए खातिर स्वर्ग छोड़िया। मोर जीवन के तू यीशु बदल दे ले तो, कीने ले ले तो देखे आपन लहू। मोर जीवन के तो यीशु बदल दे ले तो, कीने ले ले तो देखे आपन लहू। को बंद करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी, आपकी बलिदान के लिए प्रभु जी, जो आपने और अब अपने लोगों के लिए जो भी प्रभु जी हमें पाने के लिए प्रभु जी, अपने पास बुलाने के लिए प्रभु जी, जो भी आपने बलिदान किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। इस समय जब हम वचन की ओर जाते प्रभु जी, हम आपको और भी जानने पाए प्रभु जी, आपके प्रेम को और भी जानने पाए, आपकी बातों को, आपकी इच्छाओं को, आपकी मर्जियों को हम और भी जानने पाए प्रभु। आप अपने दास को अपने हाथों में प्रभु जी उठा करके अपने वचन के लिए व्यवहार और इस्तेमाल करिए प्रभु जी। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा प्रभु जी आपको देते हुए ये छोटी सी दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वेलकम टू द ऑट्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय के लिए। परमेश्वर ने एक सुंदर समय दिया ताकि हम लोग उसके वचनों को मनन करें और ढेर सारे बातों को सीखें। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने इस चैनल के द्वारा से आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष किया है, बहुत सारे बातों को सीखने पा रहे हैं, समझने पा रहे हैं। आज भी हम लोग बहुत सारे बातों को सीखने जाएंगे, हालेलुया। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी,
इस संध्या के समय में परमेश्वर पिता जब तेरे चरणों में आते हैं वचनों को प्रभु जी मनन करने के लिए, प्रभु जी आप हमसे बातचीत कीजिए प्रभु जी। लॉर्ड हम भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, मेरे मुख से होकर बोलिए प्रभु जी और सही सही प्रकाशन परमेश्वर पिता आप हमें दीजिए, जिससे कि प्रभु परमेश्वर पिता जितने लोग सुनते हैं प्रभु परमेश्वर पिता सब आशीषित होने पाए प्रभु जी। लॉर्ड ऑलमाइटी हम अपने आप को तेरे हाथ में सरेंडर करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदायस स्वराज ग्रहण कीजिए, आमेन। हालेलुया। जो लोग हमारे चैनल में आज नया पहली बार आए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इस वचन को सुने और वो लोग भी आशीषित होने पाए। आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ वो बाइबल का एक कैरेक्टर को उठाया हमने और टॉपिक है हमारा जोसेफ द ड्रीमर, यूसुफ जो सपन देखने वाला था, यूसुफ जो सपना देखने वाला व्यक्ति था। इसके विषय में हम लोग जरा इसके जीवन से कुछ बातों को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। सो ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, चरित्र है बाइबल में, जिसके जीवन से बहुत सारे बातें सीखी जा सकती है और हम भी बहुत सारे बातों को सीखे हैं। आमीन। हालेलुया। सो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जितने भी परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, परमेश्वर के बुलाए हुए हैं और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, वो सारे परमेश्वर के संतान कहलाते हैं और परमेश्वर अपने संतानों के लिए सचमुच में एक बहुत बड़ा उद्देश्य उनके विषय में रखा है। आप जितने लोग इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं आपके लिए परमेश्वर एक बड़ा उद्देश्य को रखा है। कई बार प्रभु के दासों के मुख से लोग सुनते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर बड़ा उद्देश्य रखा है, बड़ा उद्देश्य रखा है, लेकिन कई बार ऐसे दिखता है कि कुछ भी चीज एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, कुछ भी चीज पूरा नहीं हो रहा है, कुछ भी चीज ऐसे लगता है कि मूव नहीं हो रहा है। उसके कई कारण हो सकते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। सो बड़ा उद्देश्य परमेश्वर हमारे लिए रखा है और उस उद्देश्य को जो सार्वजनिक है हर एक के लिए, प्रभु के बच्चों के लिए, इसीलिए बड़ा ठोस ठोस वचन और तगड़ा तगड़ा प्रॉमिस और तगड़ा तगड़ा वचन और घोषणा यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा है और बाइबल में हम लोगों को देखने को मिलेगा। पहला तो मेरा फेवरेट वचन माने ये वचन मुझे संभाल कर रखा मेरे जीवन के उतार चढ़ाव में, और जब इस वचन की तरफ बार बार जब मैं देखता हूँ तो मैं देखने पाता हूँ कि सचमुच में इस वचन में परमेश्वर का प्रेम झलकता है, परमेश्वर का जुनून झलकता है हमारे प्रति, परमेश्वर का करुणा झलकता है इस वचन के द्वारा से। आइए देखते हैं वह यर्मिया 29 उसका 11 यहाँ पर लिखता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वही हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज गॉड। हम बहुत बड़े बड़े आशा करते हैं लेकिन हमारा आशा यीशु मसीह में होकर होना चाहिए, परमेश्वर के वचन से होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा से वो हमारे अंदर में आशा जागरूक होना चाहिए और ऐसे आशा को परमेश्वर कभी भी उसे निराशा में नहीं बदलता, वरन हमारे आशा को परमेश्वर पूरा करता है। सो हमारे विषय में परमेश्वर का ढेर सारे योजना है, कल्पनाएं हैं, उसने जो योजना उसने कल्पना जो बना कर रखी है। हालेलुया। हो सकता है कभी कभी एक प्लान ए फेल हो जाए तो परमेश्वर के पास में प्लान बी है, और बी फेल हो जाए तो सी है, परमेश्वर हम लोगों को बनाता है, तराशता है और लेके आगे जाता है। हालेलुया। सो ये एक बड़ा तगड़ा वचन है जिसके द्वारा से हम लोग जानने पाते हैं कि परमेश्वर अपना उद्देश्य जो हमारे विषय में जो ठहराता है उसके लिए उसका सारा रूपरेखा, सारा नक्शा उसने तैयार करके रखा है, बना के रखा है इस धरती में पूरा होने के लिए। आमीन। रोमी उसका 8 अध्याय उसका 28 आयत कहता है, रोमी उसका 8 उसका 28 कहता है, यहाँ पर भी देखिए कितना सुंदर वचन है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अब यहाँ पर कॉन्फिडेंटली यहाँ पर पौलुस कह रहा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हमारा काम है परमेश्वर को प्रेम करना। कैसे प्रेम करना? पूरे प्राण से, पूरे दिल से, पूरे शक्ति से, पूरे 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 मन से उसको प्रेम करना। ये प्रेम का हमारे तरफ से प्रेम का बात इस तरह से परमेश्वर के लिए होना चाहिए। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, भलाई को, अच्छाई को उत्पन्न करेगी, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार जब बुलाया है और उसकी इच्छा में जब हम लोग रहते हैं, उसकी इच्छा में जब चलते हैं हम लोग और उसको प्यार करते हैं, तो एक बात हमेशा जान के रखिए कि आपका जीवन इधर उधर नहीं होगा, साइड ट्रैक नहीं होगा। प्रेज गॉड। और हमारे जीवन को, उद्देश्य को परमेश्वर निश्चय 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 पूरा करेगा। ये सब बड़ा ठोस वचन सब है, यूसुफ के विषय में मैं आऊंगा, लेकिन ये जो वचन है तो ये यूनिवर्सल वचन है, सबके लिए है जो परमेश्वर के बच्चे लोग हैं। ओके। भजन संहिता उसका 33 का 11 में भी बड़ा उत्साह देने वाला वचन है, देखिए यहां पर क्या कहता है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी,
उसका प्लानिंग, उसका युक्ति सदा स्थिर रहेगी। उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रेज गॉड, पीढ़ी से पीढ़ी तक उसके मन की कल्पनाएं बनी रहे बोल के परमेश्वर उसके ऊपर में अपना जुनून को रखता है, अपना ध्यान को रखता है, अपना मन को उसमें केंद्रित करके रखता है। हालेलुया। तो सोचिए, पीढ़ी से पीढ़ी के विषय में सोचता है, और जिस पीढ़ी में आप हैं आपके विषय में परमेश्वर सोचता है, कल्पना करता है। इसीलिए घबराइए नहीं, डरिए नहीं, परमेश्वर के हाथों में आपका जीवन है और परमेश्वर में आपका जीवन सुरक्षित पाया जाता है। आमेन, हालेलुया। और एक बड़ा तगड़ा वचन यहाँ पर देखते हैं हम लोग, मत्ती उसका 5:14, मत्ती उसका 5:14 यहाँ कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमको प्रभु ने बड़ा तगड़ा बात कह दिया है। तुम, पहले तो उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और देखिए उसने जब कहा मैं जगत की ज्योति हूं तो उसका ज्योति, उसका प्रकाश किस प्रकार का लिमिट का होगा, ये तो अनलिमिटेड होगा। और ठीक उसी के पैरेलल में प्रभु कहता है तुम थोड़ा थोड़ा जगत की ज्योति हो, ऐसा नहीं कहा है। पहले उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, उसके बाद हमारे लिए भी सेम कैटेगरी का बात कहता है। ये छोटा मोटा डिक्लेरेशन और घोषणा नहीं है परमेश्वर का। तुम जगत की ज्योति हो, यानी मैं ज्योति हूं, मैं जिस प्रकार का काम किया हूं तुम इस ज्योति में उसी प्रकार का काम कर सकते हो और करोगे। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है ये जो काम मैं कर रहा हूं इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। प्रेज गॉड। कितने बड़े बड़े काम हो सकते हैं, किस एंगल का काम हो सकते हैं। यीशु मसीह ने मुर्दा को जिलाया, सोचिए कि किस प्रकार का मुर्दा को एक इंसान जिला सकता है जो उस पर विश्वास करता है। प्रेज गॉड। तो सोचिए कि प्रभु वो हम लोगों को नीचा नहीं रखना चाहता, मैं जगत की ज्योति हूं, फिर कहता है तुम जगत की ज्योति हो, तो वो सेम लेवल में काम करने का बात को कहता है, सेम लेवल में परमेश्वर उठाने का बात कहता है। जैसे यीशु मसीह को उसने उठाया, वो हमको भी उठाना चाहता है ताकि हम भी उसी प्रकार का ज्योति और प्रकाश को इस दुनिया में फैलाने पाए। सो परमेश्वर बहुत बड़ा चीज सोचता है, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। साथ में और एक चीज कहता है ज्योति के साथ साथ में, यहां पर कहता है मत्ती 5:13 क्या कहता है यहां पर, तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रेज गॉड, तुम पृथ्वी के नमक हो। अब यहां से हमारा मैसेज अभी ट्विस्ट होने जा रहा है। प्रेज गॉड। देखिए यही इसी प्लेटफॉर्म से, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक में अधिकार होता है, कोई भी चीज में थोड़ा सा मिलाया जाता है उस चीज को नमकीन कर देता है, उसका टेस्ट को बदल देता है। यानी नमक में एक अथॉरिटी होता है, अधिकार होता है। प्रेज द लॉर्ड। वो कब्जा करने का ताकत रहता है। तो आज हमको पृथ्वी का नमक कहा है, तो प्रभु हमको एक अधिकार के साथ इस धरती में भेजा है, और उस अधिकार, वो अधिकार किसके अंदर में डाला गया है, हमको हमारे जीवन में जो उद्देश्य है और हमारे जीवन में जो गिफ्ट दिया है परमेश्वर, जो दान दिए हैं, वरदान दिए हैं। तो दान और वरदान जब मैं कह रहा हूं तो पवित्र आत्मा के नौ वरदान के विषय में मत सोचिए। परमेश्वर के राज्य में उसका काम करने के लिए, उसका उद्देश्य के अनुसार जब हम लोग बुलाए गए हैं तो हमको ढेर सारा, बहुत सारे गिफ्ट है। हालेलुया। ओके, नौ वरदान के अलावा बहुत सारे गिफ्ट है। वो गिफ्ट जो हमारे अंदर में दिया गया है, हमारे अंदर में इम्प्लांट किया गया है, वो गिफ्ट में ही अधिकार है। प्रेज गॉड। इसीलिए हमारे गिफ्ट को ना डिस्कवर करना चाहिए, उसको ना नर्चर करना चाहिए, उसको पॉलिश करना चाहिए, उसको चमकाना चाहिए। इसीलिए पॉलुस तिमुथी को कहता है स्टियर अप योर गिफ्ट, अपने अपने दान को, अपने वरदान को चमकाओ बोलता है। प्रेज गॉड। ताकि जहां पर तुम खड़े होगे वहां पर तुम अधिकार जताओगे, या तो तुम्हारा पास में अधिकार रहेगा। आमेन, हालेलुया। इसीलिए जितने भी प्रभु के बच्चे लोग हैं, बुलाए गए हैं, उनको परमेश्वर ने कहा है तुम पृथ्वी के नमक हो। अब ट्विस्ट क्या आ रहा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए। अरे भाई क्यों बिगड़ेगा नमक का स्वाद, क्या हो रहा है इस नमक के साथ में। अगर मैं नमक हूं, आप नमक हैं, तो बिगड़ने की बात क्यों कह रहा है। परंतु नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। यानी एक बड़ा दर्शन परमेश्वर का हमारे लिए है, एक बड़ा उद्देश्य परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए है। इसके बावजूद उस नमक के विषय में उसका स्वाद बिगड़ जाए, इसका डेंजर को बताता है। इसका मतलब एक फोर्स है, एक ताकत है, कई युक्तियां हैं जो हमारे खिलाफ में है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य को पूरा होने होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ऐसी ताकतें हैं, और वो शैतान
और उसके सल्तनत है जो हमारे जीवन का जो उद्देश्य के खिलाफ में खड़े होते हैं, ताकि हमारा जीवन का स्वाद बिगड़ जाए और हमारे में अधिकार दिखाई ना दे। यानी आज जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य है हमारे लिए, तो इस बात को भी जानना चाहिए कि एक फोर्स है, एक ताकत है जो शैतान की ओर से रहता है, उसकी युक्तियां हैं जो हमारे सामने में रोड़ा डालेगी, रुकावट डालेगी, उथल पथल करने की कोशिश करेगी। रास्ता इतना आसान नहीं है, लेकिन यीशु मसीह है तो रास्ता में प्रभु लेके जाएगा। यीशु मसीह आपके साथ में है तो पानी जो डुबाने वाला चीज है, उस डुबाने वाला चीज भी डुबाने नहीं पाएगा, उसके ऊपर में चल के जा सकता है जैसे पतरस ने चला। हालेलुया। तो यहां पर जब परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वह फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। ये बात को यहां पर कह रहा है। ओके, तो हमारे जीवन में जो हमारा जो टेस्ट है उसको बिगाड़ने के लिए शैतान के पास, शैतान बहुत सारा रोड़ा डालेगा, वो भी कुछ कुछ युक्तियां सब लेकर आता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यूसुफ जो था एक ऐसा कैरेक्टर बाइबल में जिसके जीवन से, उस यूसुफ के स्थान में आप अपने आप को रखिए। और यूसुफ का पास में बड़ा ड्रीम्स था, बड़ा सपना था, बड़ा सपना दिया गया था। तो लिख सकते हैं बड़ा सपना, साइड में लिखिए, जब बड़ा सपना है, बड़ा दर्शन है, तो बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। ये एक प्रिंसिपल है मेरे प्यारे भाई बहनों। जब आपका जीवन के लिए परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य है, बड़े कल्पनाएं हैं, आपको ड्रीम्स के द्वारा से बात किया है, विजन्स के द्वारा से बात किया है, मैं ये करने जा रहा हूं मेरे जीवन में। जब प्रभु में आया नया नया, उन दिनों में ड्रीम्स के द्वारा से मेरे जीवन का उद्देश्य को परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। जो जो ड्रीम्स में देखा था, जैसे यूसुफ देखता था वैसे ही मैं देखता था, ठोस क्लियर कट। और कुछ कुछ सपने सब ड्रीम्स सब ऐसे रहते थे, सपने सब ऐसे रहते जो दृष्टांत के अनुसार रहते थे, और पवित्र आत्मा समझाता था। मेरे पास एक डायरी है, तारीख के साथ हमने लिखा है, और बहुत सारे ड्रीम्स जो प्रभु ने दिखाया, प्रकट किया। एक एक ड्रीम्स ऐसे ऐसे बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। हालेलुया। हो सकता है प्रभु आपको भी दिखाता हो, लेकिन किसी दिन क्लास करेंगे ड्रीम्स एंड विजन के ऊपर में। ड्रीम्स कौन शैतान की ओर से है, कौन से प्रभु की तरफ से है, उसको कैसे जाने, ड्रीम्स को इंटरप्रेट कैसे करें, ड्रीम्स सही ढंग से हमारे जीवन में आएगा जिसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, मिक्स नहीं होगा, उसको उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सब अलग बात है। अभी मेरा विषय ड्रीम्स नहीं है, विजन्स नहीं है। हम मेरा विषय है यूसुफ जो सपना देखने वाला व्यक्ति था, उसके साथ में क्या हुआ। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य था उसके जीवन में। तो मैं ये बता रहा हूं, यूसुफ के पास में जब बड़ा दर्शन था, बड़ा सपना था, प्रभु बहुत बड़ा हाइट में लेके जाना चाहता था, तो उसका दाम भी बड़ा था। जब उद्देश्य बड़ा होता है, सपना बड़ा होता है, दर्शन बड़ा होता है, ओके, तो उसका दाम चुकाना भी हमारे तरफ से बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये जरूरी है, और ये दाम चुकाना जो होता है ना, ये एक व्यक्ति को क्या करता है ना, सिखाता है, तराशता है और बनाता है ताकि वो स्थिर रहे, इसीलिए दाम चुकाना पड़ता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो हमारे जीवन में बहुत प्रकार का चुनौती सब आएंगे और बड़ा बलिदान करना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं होता है। हालेलुया। सो इजी गोइंग नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ में रहता है तो हम लोग बढ़ सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं, जा सकते हैं। आमेन। सो किस प्रकार का, जब दर्शन रहता है, सपना देता है प्रभु और हमसे कुछ बातें करता है पवित्र आत्मा के द्वारा से, और प्रकट करता है कि मैं भाई ये करना चाह रहा हूँ तुम्हारे साथ में, इस हाइट में लेके जाना चाह रहा हूँ, इस प्रकार से तुमको ऊंचा उठाना चाह रहा हूँ मैं, तो किस प्रकार का टेस्ट सब हमारे जीवन में आएगा। तो बड़ा दर्शन के साथ में कुछ कुछ जो टेस्ट है वो हमारे जीवन में आएंगे, जो यूसुफ के साथ में हुए, उस टेस्ट को में हमको पास होने की आवश्यकता है। ओके, वो परीक्षा में पास होने की आवश्यकता है। आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। हम लोग पहले देखेंगे यूसुफ के साथ में क्या क्या घटना हुआ, कैसे हुआ। उत्पत्ति उसका 37, जेनेसिस 37 उसका 2 से लेकर 4 यहां पर देखते हैं। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्र के संग रहा करता था। आमीन। और उनके भाइयों, अच्छा, और
और उनकी बुराइयां बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। भेड़ बकरी साथ में चराते थे लोग, ओके, 12 भाई 12 गोत्र हैं। हालेलुया, याकूब के बेटे, इसमें यूसुफ एक बेटा है जिसकी विषय में लोग देख रहे हैं, और जो 12 भाई हैं उसमें बाकी लोग 11 लोग और विशेष खासकर 10 लोग है ना, ये लोग कुछ गड़बड़ियां करते थे भेड़ बकरी चराते समय में, किसी से लड़ाई झगड़ा करते थे, आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, दूसरे चरवाहों के लड़ाई झगड़ा के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे और कुछ कुछ गड़बड़ी करते थे। ये बात इनकी जो बुराइयां जो हैं, बुरी चीज जो होती थी उसको यूसुफ आके अपने पिताजी को बताता था। इसे ये पता चलता है कि यूसुफ जो था ना उसको ये सब उलट फेर का चीज करना, ये सब उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता था, इसीलिए उसको लगता था कि पिताजी को बताना चाहिए, तो पिताजी के पास में आके वो बता देता था। ये एक कैरेक्टर है यूसुफ के पास में, सही तो सही, गलत तो गलत, गलत उसको बर्दाश्त नहीं होता है सो नहीं होता है, दैट्स ऑल। क्या हमारे जीवन में हम लोग का सही तो सही यह है, गलत तो गलत, या कोई हमको हमारा गलती जब बताता है तो गलत तो गलत है, और जब बताता हम जानते हैं हम गलती है तो उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, उसका उसको सफाई नहीं देना चाहिए, हाँ मैंने भूल किया है, गलती किया है। ये जो एटीट्यूड है, ये जो विचारधारा है ना, ये हमारे जीवन के बड़े उद्देश्य को पूरा करने में मददगार होगा। आमीन, हालेलुया। और हमारा भूल बताया जाता है, हमारा गलती बताया जाता है, और जब हम लोग उसको सफाई देते हैं तो इसका मतलब ये ट्रिकी माइंड है, और परमेश्वर के पास में ये ट्रिकी माइंड चलता नहीं है। बहुत सारे लोग ट्रिक खेलते हैं परमेश्वर के साथ में, ओके। शुरुआत के दिनों में मैं भी ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे बहुत जल्दी समझ में आया कि ट्रिक काम नहीं करेगा परमेश्वर के पास में, ट्रिक बिल्कुल काम नहीं करता है, तिकड़मबाजी परमेश्वर के पास में काम नहीं करता है। हमने भी कोशिश किया था लेकिन हमको बहुत जल्दी समझ में आया इस बात को, तो इसने हमने उस वो तिकड़मबाजी और वो ट्रिक करना परमेश्वर के पास में उसको हमने छोड़ दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है गलती से कुछ हो सकता है भी ट्रिक, तो हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इंटेंशनली ट्रिक करना बड़ा ही डेंजर चीज है, ओके। इसलिए उसने सब इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। अब इज़राइल यानी ये जो यकूब है वो इस यूसुफ से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो बुढ़ापे टाइम का उसका पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया और उसके लिए स्पेशल कपड़ा एक बनाया। हालेलुया, स्पेशल कपड़ा बना के उसको दिया, उसी के लिए, उसके बेटे यूसुफ के लिए। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। अब चालू हो गया, उसके पिता जब इससे प्यार करता था, स्नेह करता था, और इसके कुछ गुण अच्छे गुण थे यूसुफ का, ईमानदारी चीज दिखाई देता था, तो उसके प्रति एक झुकाव हो गया उसका पिता का, ओके, और स्पेशल चीज उसके लिए किया करता था। और यह चीज जब उनके भाइयों ने देखा तो उसे बैर करने लगे यूसुफ से, और उसे ठीक से भी बात नहीं करते थे। सो पहला लेसन, पहला चीज ये समझना है, जब हमारे लिए जीवन में बड़ा उद्देश्य रहेगा तो हमारा इर्द गिर्द का सिचुएशन इस रहेगा, घृणा के पात्र हो गए आप, ओके, घृणा मिलेगा, लोग किनारा करने की कोशिश करेंगे। तो जब लोग किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, तो ये मत समझिए कि हमको अकेला किया जा रहा है, परमेश्वर वो सिचुएशन को आने दे रहे हैं। नीचे देखेंगे इसको बेटर समझने के लिए, ओके। और यूसुफ ठीक उसके बाद में हम लोग देखने पाते हैं कि वो पहला ड्रीम्स देखता है, पहला सपना देखता है। वो क्या देखता है? उत्पत्ति 37 उसका 5-7 यहाँ पर लिखा हुआ है। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और उसके भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो, हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूं कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया, तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। बोल रहा है, हम लोग धान काटते हैं तो पुले बांधते हैं, तो सबका पुला था और मेरा पुला बीच में खड़ा हो गया
और बाकी 11 भाई लोग का पुला साइड में खड़ा हो गया और ये लोग वो पुला सब डंडवट कर रहे हैं। आप सोचिए कि किस प्रकार का ड्रीम्स था। एक ड्रीम्स था, सब कितना होगा ये ड्रीम्स को देखना, ये चीज होगा एक आधा मिनट का ड्रीम्स होगा या तो एक पिक्चर आ रहा है ओके। और इस प्रकार का ड्रीम में इतना बड़ा भविष्य छुपा हुआ है। कितना बड़ा? एक देश का प्रधानमंत्री बनेगा, एक देश का प्रधानमंत्री बनने वाला दर्शन, इतना हाइट में ले जाने वाला दर्शन आधा मिनट का दर्शन के अंदर में हो सकता है। एक छोटा सा रील के अंदर में ये ड्रीम्स कितना समय चला होगा सोचिए। कभी कभी चलता है, मिटता नहीं है, लेकिन एक रील के हिसाब से चलाया जाए तो कुछ ही सेकंड का ड्रीम्स होगा। लेकिन आप सोचिए कि प्रभु जब बात करता है चोखा रूप से, एक ठोस रूप से, तो एक छोटा सा खंड में एक बहुत बड़ा चीज को छुपा के रख सकता है परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। ऐसी छोटा छोटा चीज प्रभु मेरे जीवन में भी बहुत सारे चीज प्रकट किया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे जब यूसुफ के विषय में बता रहा हूं तो मैं आपको एक ड्रीम्स बता रहा हूं, क्योंकि वो सब ड्रीम्स मेरे जीवन में लागू होकर भी पूरा हो रहा है और उस उद्देश्य में मैं बह रहा हूं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। इसको हमने अपने डायरी में भी लिखा है, बहुत सारे ड्रीम्स हम लिखा है। एक बार क्या हुआ, जब मैं आई थिंक मैं कॉलेज के दिनों में था, मेरे गवाही को आपने सुना है कि बहुत सारे उतार चढ़ाव हुई पढ़ाई में, बहुत सारे उतार चढ़ाव हुई और फेल्यूर से भी होके गुजरा, अंत में परमेश्वर ने मुझे सफलता दी। और ये फेल्यूर से होकर गुजर रहा था उसी टाइम में मैं बहुत प्रार्थना किया करता था। तो मैं प्रार्थना में एक दिन क्या देख रहा हूं कि मैं जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री गया हूं। उस समय डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन जिंदा थे, जीवित थे, और वहां पर एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म जैसे है और एक छोड़कर दूसरा, दूसरा छोड़कर तीसरा, ऐसे लाइन से इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, ऐसा करके वहां पर का प्रेयर वॉरियर लोग है, प्रार्थना योद्धा लोग है। और वो प्रार्थना योद्धा कैसे दिखाई दे रहे हैं, एजेड एजेड व्यक्ति ऋषि मुनियों जैसे दिखाई दे रहे हैं वो लोग, पगड़ी है, बाल है। लेकिन एक खास चीज क्या दिख रहा है, सबके कांधे में बड़ा सा लकड़ी का क्रॉस उन्होंने रखा है यहाँ पर, और लोग प्रार्थना करा रहे हैं, लाइन लाइन लगे हुए हैं। आज जब प्रार्थना करा रहे हैं, प्रार्थना कराने के बाद में हर एक के लिए भविष्यवाणी किए जा रहा है, कर रहे हैं वो लोग। तो मैं भी लग गया, क्योंकि मैं फेलूर से गुजर रहा था, तो मैं भी लग गया कि मेरे विषय में क्या बताएगा बोल के, ये सपना में देख रहा हूं मैं। और जब मैं, मेरा बारी आया एक प्रेयर योद्धा के पास में, और जब मेरा प्रार्थना करने लिए प्रार्थना करना चाह, उसी टाइम में सीन में आ जाते हैं डॉक्टर डीजे से दिनाकरन, और वो मेरे हाथ को वो ले जा पकड़ते हैं और बोलते हैं, चलो मैं बताता हूं तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर का योजना क्या है। और वहां पर बहुत सारे बातों को एक प्रेयर टावर के कोने में ले जाते हैं, बताते हैं प्रभु तुमको इस तरह से लेके जाना चाहता है, और तुमको एक तारा के समान आसमान में जैसे चमकता है, परमेश्वर तुमको उठाएगा, ऐसे ऐसे सब बताने लगे और भी कुछ बात बोलने लगे। फिर मैं ड्रीम्स बंद हो जाता है, मैं उठता हूं और मैं सोचता हूं क्या सुंदर ड्रीम्स है, और उस ड्रीम्स को मैं लिखता हूं एक लेटर में और पोस्ट कर देता हूं जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री, और पूछता हूं कि इस ड्रीम्स का मतलब क्या है, डॉक्टर डीजे दिनाकरन को लिखता हूं। और उन दिनों में कुछ कुछ खास ड्रीम्स या तो कुछ कुछ क्वेश्चंस रखते थे, तो डॉक्टर डीजे दिनाकरन खुद पढ़ते थे उनको, सब लेटर तो नहीं क्योंकि वहां पर हजारों चिट्ठी आते थे, लेकिन कुछ कुछ लेटर को उनके पास पहुंचाया जाता था और वो पढ़ते थे और वो प्रार्थना करते थे, प्रभु से पूछते थे कि इसको क्या जवाब दिया जाए लेटर। तो मेरा लेटर भी उनके पास में पहुंचा और उन्होंने प्रार्थना किया और उन्होंने जवाब भी भेजा, लेटर टाइप किया हुआ था और हैंड सिग्नेचर था उसमें नीचे, और उसमें लिखा हुआ था बोल्ड लेटर में, ये ड्रीम का मतलब ये है कि तुमको प्रभु यूसुफ के समान ऊंचा करेगा, उठाएगा और तुमको ब्लेस करेगा और तुमको इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एक यूसुफ के विषय में देख रहे हैं। और उन दिनों में अपने टाइम में जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, उस टाइम पे मुझे भी यही इंटरप्रिटेशन दिया गया कि प्रभु तुमको यूसुफ के समान ऊंचा उठाने जा रहा है, इस्तेमाल करने के जा रहा है, प्रभु आपको उठाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ड्रीम्स जब परमेश्वर की ओर से रहता है, बड़ा खास रहता है, आप समझ नहीं पाएंगे, वो पूरा अंदर में छप जाएगा और वो मिटेगा नहीं, वो आपके हार्ट को कब्जा कर लेगा। मेरे हृदय को इसे कब्जा करके रखा था,
तो ड्रीम्स के द्वारा से, विजन्स के द्वारा से बातचीत करता है, प्रोफेसी के द्वारा से प्रभु बातचीत करता है, कन्फर्मेशन लेकर आता है, और वचन के द्वारा से परमेश्वर बातचीत करता है। तो प्रभु हमारे लिए जब बड़ा उद्देश्य बनाए रहता है तो उसको प्रकट करना चाहता है। तो यहाँ पर देखते हैं यूसुफ को परमेश्वर ड्रीम्स के द्वारा से बातचीत करता है, और इस दर्शन को, इस सपना को जब अपने भाइयों को बताता है तो लिखा हुआ है, तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया, यहाँ लिखा हुआ है। करने के बाद में यहाँ पर वचन बताता है, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा, इसलिए कि उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। तो पहले तो उसका पिताजी उसको प्यार करता था, इसलिए बैर करते थे, अभी सपना को इसने खोल के बता दिया। इसका मतलब तो इस समय में यूसुफ को शायद नहीं मालूम था, बाद में पता चला होगा इसका मतलब क्या होगा, कि प्रभु क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके भाई लोग पकड़ लिए कि भाई इसको तो कुछ तो है कि परमेश्वर इसको ऊंचा उठाएगा, कुछ करेगा, और ये एक राजा के समान इसका जिंदगी होगा। ये लोग भाप लिए और उसको और घृणा करने लगे, और घृणा करने लगे। तो और भी चीज हुआ होगा, उससे दूर रहते थे, या तो इसको दूर किनारा करते थे, इसको पूछते नहीं थे, इसको ठीक से बात नहीं करते थे, इस प्रकार का चीज सब होने लगा। ओके, और ज्यादा घृणा। तो पहला हमको इस बात को समझना है, फिर मैं देख रहा हूं कि सेकंड दर्शन में पढ़ दे रहा हूं, उत्पत्ति 37 उसका 9 को यहां पर लिखा हुआ है, 9 में, फिर उसने एक और सपना देखा और उसके भाइयों से उसका भी वर्णन किया, सुनो मैंने एक और सपना देखा है, सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं, ये सपना देखा। और उसके भाई लोग और घृणा करने लगे। ओके, सो लेसन हमको एक बात को सीखना है, जब प्रभु आपका जीवन का उद्देश्य के विषय में कुछ चीज खास बताता है, प्रकट करता है ड्रीम्स के द्वारा से, तो विजन के द्वारा से, या तो परमेश्वर बातें करता है पवित्र आत्मा के द्वारा से कि ये करने जा रहा है, आप प्रार्थना में गहराई में रहेंगे ना, तो आप साफ साफ दर्शन नहीं भी देखेंगे, सपना नहीं भी देखेंगे, तो आप जानेंगे कि प्रभु क्या बात कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जब कभी प्रभु आपको कुछ ड्रीम्स देगा तो आप उसको जहां तहां मत बताया कीजिएगा। डोंट लेट योर सीक्रेट टू बी नोन टू अदर्स। ऐसे इसको बांट दिया, उसको बता दिया, दोस्तों को बता दिया, मित्रों को बता दिया, ऐसे भूल कभी मत कीजिएगा। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जब बताते हैं तो शैतान को भी पता चलता है कि परमेश्वर का योजना क्या है, क्योंकि परमेश्वर जो चीज हमको विजन ड्रीम्स भी दिखाता है, शैतान को नहीं पता चलता है वो सब चीज। जब अब हम उसको रिवील करना चालू करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसका कड़ियों को खोलते हैं, धीरे से पता चलता है। ओके, सो मेरे प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर आपके विषय में अच्छा उद्देश्य रखा है, एक बड़ा उद्देश्य रखा है, और कुछ चीज प्रकट किया है, तो आपका विजन दर्शन को हर जगह सार्वजनिक मत कीजिएगा जब तक समय पूरा ना हो। कुछ कुछ बार विजन दर्शन रहता है, उसको बताया जा सकता है। जैसे अगर कलीसिया का पास्टर है, कलीसिया के लिए कुछ दर्शन रखा है, तो कलीसिया को जरूर बताएगा, वो भी टाइम में बताएगा। लेकिन एक पर्सनल विजन है तो जरूरी नहीं है कि तुरंत उसको बता दिया जाए, इसीलिए भूल से भी ऐसा मत कीजिएगा। हाँ, आप किसको बता सकते हैं? जो आपका मेंटर है, जो आपको टीच करता है, आपको सिखाता है, आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए, जिससे आप गाइडेंस लेते हैं, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, तो उसको आप रिवील कर सकते हैं, ताकि वहां पर आपको क्या कदम बढ़ाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, यदि दिया जाएगा तब आपका जीवन का जो दर्शन है सही तरीके से पूरा होगा, नहीं तो शैतान बहुत जल्दी टांग अड़ाता है, ऐसे भी अड़ाने की कोशिश करेगा वो। ओके, हालेलुया। यहां से और एक लेसन हम लोग पाते हैं, सीखते हैं कि जब परमेश्वर एक बड़ा उद्देश्य रखा रहता है तो सिचुएशन भी ऐसे क्रिएट होगा और बनाया जाएगा, और उस सिचुएशन में हो सकता है कि लोग हमको तिरस्कार करेंगे, हमको छोड़ देंगे, हमसे दूर कतराएंगे, भागेंगे। ओके, तो इस समय में घबराना नहीं चाहिए, यानी एक्चुअली परमेश्वर जब बड़ा दर्शन रखता है ना, तो भीड़ से अलग करता है। ये भी परमेश्वर का एक उस सिस्टम के अंदर में है, भीड़ से अलग करता है और अकेला रखेगा आपको। अकेला इसलिए रखेगा ताकि आपका पूरा फोकस परमेश्वर पर जाए और परमेश्वर से को समय दे, परमेश्वर से बातें करें,
ओके, हो सकता है दिल टूटेगा, लोग नहीं पूछते हैं इसके कारण से आप अलग हो रहे हैं, लेकिन उसी सिस्टम के अंतर्गत में ये सारे बातें, इसीलिए बहुत ध्यान से रखिए। और बहुत लोग क्या करते हैं ना, ऐसे चीज को ना उल्टा समझ लेते हैं, मुझे छोड़ दिया जा रहा है, मुझे कोई नहीं पूछता है, ओके, और मुझे मेरे विषय में लोग ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। ये सब बातों को, ये सब चीज की मैं बचपन हरकत मत कीजिए, मैं जान गया हूं इतने सालों में इस प्रकार का चीज अभी मुझे असर नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड, जब प्रभु कुछ बात करता है, लोग मुझे पूछे ना पूछे, आई एम फोकस्ड, प्रभु मुझे क्या बोल रहा है, मुझे उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां पर प्रभु मुझे लेके जाना चाहता है, इसीलिए उस पर फोकस कीजिएगा। सिचुएशन अराउंड में रहेगा, लोग नहीं पूछेंगे, तिरस्कार करेंगे, आप अकेले हो जाएंगे, ओके, वो जानबूझ के परमेश्वर अलाउ किया है, अकेले हो जाएंगे आप, ताकि परमेश्वर के साथ में और घनिष्ठ आपका संबंध हो जाए। जब अब्राहम को परमेश्वर ने एक बड़ा उद्देश्य से बुलाया, तुम्हारे द्वारा से मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम आशीषों का मूल होगे, क्या किया परमेश्वर ने, अपने झाई जाति भाई बंधुओं के साथ में अपना नेटिव प्लेस से, अपने गांव से उसको बाहर आ बोला, क्योंकि एक नया एनवायरमेंट लेना चाहता है परमेश्वर। तो जब लोग आपसे दूर भागते हैं तो एक नया एनवायरमेंट आएगा, एक नया स्थिति रहेगा, एक नया वातावरण रहेगा, ओके, वो वातावरण में परमेश्वर आपसे घनिष्ठ होना चाहते हैं, ताकि उद्देश्य के विषय में, प्लानिंग के विषय में आपको रिवील करे। भीड़ भड़ाका में नहीं होता है, प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। तो इसके बाद हम लोग देखने पाते हैं क्या क्या चीज उसके साथ में हुआ, पॉइंट बाय पॉइंट बोल रहा हूं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं इस समय में। यूसुफ को एक दिन उसका पिताजी भेजा था, जाओ तेरे भाई भाई लोग भेड़ चरा रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं, वो लोग का हाल खबर पूछ के आओ, बोलता है। ये हो सकता है कुछ टिफिन खाना उना लेके गया हो, और जहां पर वो देखता है जहां पर उनको रहना चाहिए उनके भाई लोग नहीं रहते हैं, फिर एक व्यक्ति मुलाकात करता है, उसको पूछता है भाई मेरे भाई लोग कहाँ गए, तो बोलता है दोतान बोल के एक जगह है वहां चले जाओ। देखो नाम भी कितना प्रोफेटिक है, दोतान जो जगह है ना, दोतान का मतलब होता है दो कुआं, मैं उसका मीनिंग खोज रहा था, दो कुआं, एक कुआं में तो डाल ही दिया उसको, दूसरा कुआं वो है जहां पर वो कुआं में वो कुआं है, उसको बेच दिया गया और वो मिस्र में पहुंच गया। प्रेज द लॉर्ड, दो कुआं, ओके, सो उसके भाई लोग क्या करते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं, उसके कपड़े को छिन बिन कर देते हैं, और उसके बाद में उसके कुआं में डाल देते हैं। फिर थोड़ा समय में लोग का डिसीजन चेंज होता है, कुछ वहां पर व्यापारी लोग आते हैं वहां से, और 20 चांदी के सिक्का में उसको बेच दिया जाता है, और लोग चले जाते हैं वहां से, और उसके बाप को बता देते हैं कि जंगली जानवर आया, आपका बेटा को खाया, और उसमें कुछ कुछ भेड़ बकरी का लहू को उसके कपड़े में वो लोग सन देते हैं, और बोलते हैं कि ये देखो आपका बेटा अभी नहीं रहा इस दुनिया, ओके, और ये पहुंच जाता है मिस्र देश, हालेलुया, और मिस्र देश में फिर दोबारा बेच दिया जाता है, पहुंच जाता है पोतीपर के घर में, पोतीपर के घर में नौकर जैसे रहता है, और वहां कुछ बातें होती है उसको नीचे देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद में पोतीपर के घर से चला जाता है जेल, जेल में उसको चेन में बांध दिया जाता है, फिर जेल से पहुंचता है वो प्राइम मिनिस्टर का गद्दी में। आप देख रहे हैं बड़ा उद्देश्य, लेकिन दाम कैसे चुका रहा है, उसका प्राइस कैसे है, बलिदान कैसे है, यहां पर क्या क्या दाम चुकाना पड़ा, इसीलिए बड़ा दर्शन है, बड़ा योजना है परमेश्वर का आपके जीवन के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, दाम भी बड़ा चुकाना पड़ेगा, पेन से होके जाना पड़ेगा, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो पहला जो है, हम लोग देखेंगे कैसे कैसे टेस्ट से होके गुजरना पड़ता है। ये सब टेस्ट आपके साथ में भी हुए होंगे, नहीं हुए तो होंगे, अगर कोई जवान सुन रहा है 17-18 साल का इस समय में, 21-22 साल का, और अभी शुरू कर रहा है प्रभु के साथ में अपनी जिंदगी, तो ये मैसेज आपके लिए बहुत कीमती है, ध्यान से सुनिए उसको। सो पहला जो है उसका टेस्ट से होके गुजरा, उनके भाई जाति बिरादरी जो भी हैं, ओके, उससे उसको घृणा प्राप्त हुआ, लोग उसके भाइयों ने उसे घृणा किया। लेकिन एक चीज है, टेस्ट क्या है, वचन में कहीं पर हम नहीं पाते हैं कि उनके भाई लोग घृणा किए, तो ये भी उनके भाई लोगों को घृणा करता था, मैं समझता हूं नहीं करता था वो घृणा, ओके, वरन कौन सा प्रिंसिपल में चलाओ, एक्चुअली यीशु मसीह का चित्रण ही है, कौन, यूसुफ, यानी यीशु मसीह का कैरेक्टर को उसने अपनाया। यूसुफ जो है ना, यीशु मसीह का कैरेक्टर, यीशु मसीह को भी 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया गया था, इसको भी चांदी का सिक्का में बेच दिया गया था। अब देख रहे हैं, यीशु मसीह
को ज्यूस लोग यहूदी लोग ही घृणा किए, अपने ही भाई बंधु लोग, इसके अपने ही गोत्र के लोग भाई लोग ही इसको घृणा किए, ओके गड्ढे में डाल दिए। अब यहां पर देखिए पहला पत्रस 2 उसका 23 यीशु मसीह के साथ में क्या हो, ओके पहला पत्रस 2 उसका 23, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, कौन यीशु मसीह, यूसुफ को देख रहे हैं कहीं पर वचन में ऐसे लिखा हुआ है कि वो भी गाली देना लग रहा था, साइलेंट रहता था, चुपचाप सुनता था, देखता था, ऑब्जर्व करता था क्या हो रहा है, और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। ये दुख उठाया, अपने भाई लोग को धमकी दिया, पोतीपर के घर में भी दुख उठा रहा था, या तो एक नौकर के समान था वहां पर, हो सकता है कभी कभी डांट भी मिलता था उसको, उसने किसी को धमकी नहीं दिया, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था, मेरा न्याय परमेश्वर चुकाएगा बोले यीशु मसीह, इसे सौंपता था यूसुफ भी, इसे सौंपता था। यीशु मसीह कौन सा कैरेक्टर को अपनाया, सॉरी यूसुफ कौन सा कैरेक्टर को अपनाया, वो यीशु मसीह का कैरेक्टर को अपनाया, और यीशु मसीह बहुत बड़ा दाम चुकाया है, हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र होके उसको गाली बके कुछ नहीं कर सकता था क्या, यीशु मसीह को गाली बका गया, जो उसके चेहरे में थूक दिया गया, साइलेंट था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये दाम यूसुफ ने भी अपने जीवन काल में चुकाया, इसीलिए हम लोग देखने पाते ये टेस्ट को पास किया, ऐसे टेस्ट से होके गुजरना पड़ेगा। दूसरा कौन सा टेस्ट, वो पोतीपर के घर में विश्वास योग्य था और अपने काम में बहुत सिंसियर था, ओके सच्ची निष्ठा के साथ में वो काम करता था, ओके जो लोग काम में विश्वास योग्य रहते हैं दुख और तकलीफ में भी और सच्ची निष्ठा के साथ में करते हैं तो परमेश्वर उसका दायरा को बढ़ाता है, क्योंकि उसका दायरा बढ़ाने का एक नियम है, लुका 16 उसका 10 कहता है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है, इसका संदर्भ यह है, ओके जो थोड़े से थोड़े में सच्चा रहेगा उसको और ज्यादा दिया जाएगा ताकि उसमें भी सच्चा रहेगा वो, प्रेज द लॉर्ड। तो सच्चाई को टेस्ट करने के लिए थोड़ा चीज दिया जाता है, तो यूसुफ के घर में शुरुआत कैसे हुआ, सॉरी पोतीपर के घर में यूसुफ काम कैसे शुरू किया, देखिए यहां पर उत्पत्ति उसका 39:3-4, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम, मतलब कुछ भी मिसनियस काम, कभी ये काम कर लो, कभी वो काम कर लो, कभी ये काम, जो काम वह करता था उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता था, क्योंकि क्यों सफल करता था, क्योंकि परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य था और उसको सच्ची निष्ठा के साथ में करता था, क्योंकि अपने बाप के घर में भी जब उसका पिताजी उन्हीं भाइयों के पास भेजता था कि जा रहे तेरा भाई लोग का हाल खबर लेके आना, कहीं पर मना नहीं किया उसने, पापा वो लोग तो मुझे तुच्छ जानते हैं, मुझसे ठीक से बात नहीं करते हैं, मैं क्यों उनका हाल खबर लूं, उतना दूर क्यों जाऊं, ऐसा नहीं करता था, उसी टाइम से उसका सिंसियरिटी, उसका विश्वास योग्यता देखने को बनता था, और पोतीपर के घर में भी वही विश्वास योग्यता दिखा। तब जब इसको देखा, कौन पोतीपर, तो लिखा हुआ है तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, प्रेज द लॉर्ड, यस, एक बड़ा उद्देश्य है हमारे जीवन में, हम अपना काम को अपना चीज को विश्वास योग्यता से करेंगे अनुग्रह मिलेगा, तो अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, लिखा हुआ है उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। तो अब पहला कुछ कुछ काम मिसलिनस इधर उधर मिलता था, अब क्या हो गया, ऐसे अनुग्रह मिला कि पोतीपर बोल रहा है एक काम करना, तुम मेरे आसपास रहना, मेरा खाना पहुंचा, खाना मुझे खिलाना, मुझे दाख मधु पिलाना है वो पिलाना, मेरे पैर दबा देना, मेरा सेवा टल करना, मेरे कपड़े धो देना, या तो मेरे कपड़े को प्रेस कर देना, वगैरह वगैरह जो भी उसके जीवन दिनचर्या जो रहता था उसके साथ में रखता था यूसुफ, ओके नियुक्त किया गया। फिर लिखा हुआ है जब ये हुआ और यहां पर सब ठीक ठाक रहा, क्योंकि पास से देखा, कौन पोतीपर ने इसके अपने पास रखा और इर्द गिर्द देखा कि कैसा सिंसियर है, विश्वास योग्य है, तो विश्वास योग्यता का टेस्ट में पास किया इसने, बोलने से चले, प्रेज गॉड, ओके फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। देखिए स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, पहले काम सब मिलता था, फिर उसका सेवा टहल करने लगा पोतीपर का, उसके बाद घर का क्या कर दिया,
उसका अधिकारी बना के उसके हाथ में सब कुछ सौंप दिया। प्रेज द लॉर्ड। सो हम लोगों को अगर परमेश्वर का बड़ा दर्शन है, आपको बड़ा ड्रीम्स दिया है, तो देखिए जिस मार्ग में प्रभु लेके जा रहा है उसमें आप सिंसियर हैं कि नहीं, आप उसमें विश्वास योग्य हैं कि नहीं। चाहे कोई टीचर है, स्कूल में किस तरह से पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स के कैसे देख रेख करते हैं, उसी के साथ में परमेश्वर का उद्देश्य भी पूरा होगा आपके जीवन में। अगर कोई प्लांट में काम कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, आपको जो काम दिया गया है उसको विश्वास योग्यता के साथ में कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप जब विश्वास योग्यता के साथ में करते हैं तो आपका दायरा बढ़ाया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा, हालेलुया, और बड़ा जिम्मेवारी दिया जाएगा, उस जिम्मेवारी के साथ बड़ा रिवार्ड भी रहेगा, पुरस्कार भी रहेगा। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर नेक्स्ट टेस्ट क्या है? उसका सच्चाई, उसका पवित्रता का टेस्ट। ये बहुत बड़ा टेस्ट है। एक पवित्र जीवन जो काटता था उस एरिया में टेस्ट हुआ और उस पवित्रता को उसने नहीं छोड़ा। वो कब? हम लोग देखते हैं कि पोतीपर का पत्नी इस जवान के ऊपर में, यूसुफ के ऊपर में नजर डाल के रखा था और बार बार उसको उकसाने लगा कि उसके साथ में वो सोए, लेकिन यूसुफ कभी भी उसका बात में ध्यान नहीं दिया और उसने एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया। जिस दिन जबरदस्ती किया, उसके कपड़े उतार दिए यूसुफ के, तो अपना कपड़ा को छोड़ के वहां से भागा और पोतीपर की पत्नी ने उसे फंसा दिया। पोतीपर की पत्नी को जवाब क्या देता है, अब देखिए कितना सुंदर जवाब दिया है। उत्पत्ति उसका 39:9 यहां लिखता हुआ है, उस घर में, उसका पोतीपर की पत्नी को बोल रहा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। क्या अधिकार मिला था उसको? और उसने तुझे, इसका मतलब मुझसे बड़ा कोई नहीं मतलब, और बाकी नौकर चाकर थे उसके ऊपर में था, मतलब सब चीज के ऊपर में टॉप पे रख दिया था, और उसने तुझे छोड़, बोल रहा है तुझे छोड़ मालकिन, तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, आपको मेरे हाथ में नहीं दिया है, आपका मालिक मैं नहीं हूं, आप मेरे अधीन में नहीं है, ओके, कुछ नहीं रख नहीं छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? परमेश्वर को सामने लाया, मैं परमेश्वर का अपराधी नहीं बनूंगा। आदम और हवा, एक बार मौका मिला उनको फल खाने के लिए, सिंगल चांस, और देखिए कि सारा मानव जाति पाप में गिर गया। इसके लिए भी सिंगल चांस है, ये जो व्यभिचार का चीज जो है ना, ये सिंगल टाइम, सिंगल चांस है। ओके, आज जवान युवती लोग तुरंत फंस जाते हैं, लोग थोड़ा सा आनंद के लिए, थोड़ा सा अभिलाषा के लिए, और बहुत बड़ा परमेश्वर का योजना और दर्शन रहता है वो सब चौपट हो जाता है एक बार के लिए, वो फिर से उसको रिपेयर करना इतना आसान नहीं होता है सब चीज के लिए। और यूसुफ ने उसे प्रोटेक्ट करके रखा, एक पवित्र जीवन काट रहा था, उस एरिया का टेस्ट हुआ इसके जीवन में। मैं बोलूंगा कि परमेश्वर उस टेस्ट में डाला इसको, ये सब चीज ऐसे नहीं हो रहा है, एक बड़ा ओहदा में पहुंचना है ना। ओके, बड़ा ओहदा में जब प्राइम मिनिस्टर रहेगा तो पूरा अधिकार मिला है, कितना भी औरत रख सकता है, किसी को भी ले सकता है। इस जगह में सोची कि दाऊद कैसे भूल कर गया, दाऊद दूसरा का पत्नी को उठा लिया था, उसका कीमत चुकाना पड़ा दाऊद को, वो मेरा विषय नहीं है अभी क्या कीमत चुकाया। लेकिन इसने यहां पर, यूसुफ यहां पर पास कर जाता है, प्यूरिटी का पास। ओके, सच्चाई और क्या बोलूंगा मैं, पवित्रता के एरिया में भी, जीवन काटने में भी वो पास हो गया, हालेलुया। चाहता तो पोतीपर की पत्नी के साथ में षड्यंत्र रच सकता था, ओके, मैं तो हैंडसम हूं, मैं तुम्हारा पति हो सकता हूं, पोतीपर को हटाओ, सेकंड हैंड हो गया है, चलो उसको मार देते हैं, खत्म करके उसको खत्म कर सकता था उसको, और सारा जायदाद भी हथिया सकता था, लेकिन ऐसा यूसुफ ने नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और ये व्यक्ति यूसुफ, और एक टेस्ट था, वो है ये माफ करता है कि नहीं। तो ये अपने भाइयों को जो उसके खिलाफ में थे और उसे बेच दिए थे, बाप से अलग कर दिए थे, कितना ताड़ना सहना पड़ा उसको, अकेलापन सहना पड़ा, तिरस्कार सहना पड़ा, ओके, और उसके भाइयों को माफ कर दिया। जब हम लोग देखते हैं याकूब मर जाता है, तो इसके भाई लोग सोचते हैं अब तो यूसुफ हम लोग को छोड़ेगा नहीं, यहाँ का तब तक पता चल गया था कि हम लोग सब भाई भाई हैं, यूसुफ को भी पता चल गया था। उसका पिताजी से मुलाकात करने जाते हैं, उसका पिताजी जब गुजर जाता है याकूब, तब उसके भाई लोग क्या बोलते हैं, देखिए उत्पत्ति 50 उसका 18 से लेके 21 यहां लिखा हुआ है, और उसके भाई, आप भी जाकर उसके सामने
गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ के पास गिर पड़े। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? वह घमंडी नहीं हुआ, मैं परमेश्वर की जगह पर हूं, ना, मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं इंसान हूं, बोलता है, परमेश्वर की जगह पर हूं। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उसको समझा बुझाकर शांत किया। क्या विचार है, कितना मैच्योर्ड विचार है। जो कुछ भी घटना हुआ, ये एक्चुअली परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होने के लिए हुआ। इसमें मुझे तिरस्कार सहना पड़ा, मुझे जेल जाना पड़ा, मुझे हर एक प्रकार का उतार चढ़ाव में हुआ, पेन सब के गुजरना पड़ा। ये बहुत बड़ा एटीट्यूड है, एक बड़ा सुंदर एटीट्यूड है। इसी को तो हम लोग हजम करने नहीं पाते आज। तो परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य कैसे पूरा होगा? हमको उसने ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, मुझे वो उसने तिरस्कार किया, मेरा उसने नुक्ताचीनी किया, मेरे विषय में कानाफूसी किया, मेरे विषय में ये किया, हमका ढमका, इसी में हमारा दिमाग लगता है। लेकिन इसका विचार देखो, ये सब कुछ जो हुआ, ओके, परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य था मेरे जीवन पूरा होने के लिए। आज जो मैं देख रहा हूं, इसीलिए इस रास्ते से गुजरा। तो आज उस उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आपके साथ में इस प्रकार का घटना हो रहा है। लोग तुझे आपको पूछते नहीं है, तिरस्कार करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं आपके विषय में, आपको अलग थलग कर दिए हैं, घर के लोग आपको नहीं पूछते हैं। तो आप सोचिए, उसको परमेश्वर एक अच्छा चीज कर रहा है, मैं परमेश्वर से लिपटा रहा हूं, मेरे लिए परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य है, मैं एक दिन उस हाइट में पहुंचूंगा, और जब पहुंचूंगा तो मैं बदला नहीं लूंगा, मैं अपने लोगों के लिए, जो लोग मुझे नहीं पूछ रहे हैं, उनके लिए ही मैं आशीष का कारण हूंगा। ये एटीट्यूड अगर हम लोग डेवलप कर लेते रख लेते हैं, तो हमारा जो रास्ता रहता है ना, क्लीन, साफ, परमेश्वर उसमें लेके जाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यूसुफ, और एक चीज है, वो विश्वास का व्यक्ति था, ओके, उसमें अटूट विश्वास था। किस प्रकार का विश्वास था? आप इब्रानी का पुस्तक 11 उसका आई थिंक 33 के आसपास मिलेगा, 33, वहां पर हम लोग देखते हैं, यूसुफ ऑर्डर दिया था विश्वास से अपने लोगों को, जब मैं मर जाऊंगा, मेरे हड्डी को, जब ये देश आजाद होगा, या तो इसराइल लोग को आजादी मिलेगा मिस्र देश से, तो उस समय मेरी हड्डी को ले जाना कनान देश में, और मेरे बाप दादों की कब्रों में रखना। तो अब्राहम एक जमीन खरीदा था, जहां पर अब्राहम दफनाया गया था, सारा दफनाया गया था, ओके, और भी लोग, याकूब को भी वहीं पर दफनाया गया था, वही कब्र में वहीं पर जाके मुझे भी दफनाना बोला। और सचमुच 430 साल के बाद में जब इजरायली लोग आजादी पाए मिस्र देश से, तो इसके हड्डी को लेके जाते हैं और वहीं पर दफना देते हैं। तो सोचिए कि इसका मूवमेंट, जीते जी तो रहा, मरने के बाद में भी इसका हड्डी मूव कर रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या उद्देश्य है परमेश्वर का? जीते जी तो मूव किया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, लेकिन मरने के बाद में भी उसका 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 डेड बॉडी और उसका उसका लोथ, उसका हड्डी है ना, वो रेस्ट का प्लास स्थान में जा रहा है। कनान में देश में जाने का मतलब एक रेस्ट का स्थान में वो जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, मैं इस देश में अपना हड्डी को नहीं छोड़ूंगा, जो बंधुआई के देश है, ओके, इसका उसका हड्डी तक को आजादी मिला। प्रेज गॉड, किस प्रकार का परमेश्वर का उद्देश्य हो सकता है मेरे प्यारे भाई और बहनों? परमेश्वर छोटा नहीं सोचता है, आप बड़ा सोचिए परमेश्वर के साथ में रहके, और बड़ा सोचने के साथ में जो टेस्ट हो से गुजर रहे हैं, उस टेस्ट को कैप्चर करने की कोशिश कीजिए कि क्यों ऐसा हुआ। लोगों को वो लोग घृणा कर रहे हैं, आप घृणा न मत जाइए, आप अपना हृदय, अपना मन को खराब मत कीजिए, कुंठित करके मत रहिए, प्रफुल्लित रहिए, आनंदित रहिए, तब जाके परमेश्वर का ये उद्देश्य क्या होगा ना, पूरा होगा। हो सकता है वो जो स्थिति है वो परमेश्वर का टेस्ट है, परमेश्वर आपको रखा है वहां पर, वो टेस्ट इसीलिए किया कि आपको आपको परखे कि आप रिजल्ट क्या देते हैं। सो इस प्रकार का परमेश्वर का टेस्ट रहता है। यूसुफ के जीवन में टेस्ट रहा, हर एक टेस्ट में पास किया, और परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य इसके जीवन में पूरा हुआ। हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आपके जीवन में भी परमेश्वर का बड़ा जो योजना है, उद्देश्य है, उस रास्ते से, जिस रास्ते से परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, उससे लेके जाए, और वो उद्देश्य पूरा होने पाए, और आपके जीवन के द्वारा से परमेश्वर का बड़ा महिमा होने पाए। आमेन। प्रभु इस वचन में बहुत अधिकाई से आशीष दे। प्रार्थना करते हैं।
सर्व सामर्थ्य सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। आज यूसुफ की जिंदगी के द्वारा से प्रभु जी आपने ढेर सारे चीज को सिखाया बताया प्रभु परमेश्वर, हमारे इर्द गिर्द में प्रभु परमेश्वर जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी, लोग हमको तिरस्कार कर रहे हैं प्रभु जी, लोग प्रभु परमेश्वर पिता हमको नहीं पूछ रहे हैं प्रभु जी, लोग प्रभु हो सकता है प्रभु परमेश्वर पिता हमारे विषय में कालाफूसी कर रहे हैं प्रभु जी, हो सकता है प्रभु जी हम घृणा के पात्र बन जा रहे हैं प्रभु जी बहुत के लोगों के लिए लॉर्ड, लेकिन प्रभु जी इस टेस्ट में तू पास करने के लिए तू सहायता कर प्रभु जी, हम लोगों को क्षमा करने पाए प्रभु जी, हम लोगों को प्रभु परमेश्वर समझने पाए प्रभु जी, हम आप जो रास्ता में लेके जा रहे हैं प्रभु जी उसको ग्रास्प करने पाए, उसको कैप्चर करने पाए प्रभु जी लॉर्ड, और उसको सहज ग्रहण करने पाए प्रभु जी, हमें भी परमेश्वर पिता लॉर्ड आगे तो लेके जा और प्रभु जी ऊंचाई में हाइट में लेके जा, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता जो लोग हमको नहीं पूछते प्रभु जी उनके लिए भी आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी, और ढेर सारे लोगों के लिए प्रभु जी हम परमेश्वर पिता आशीष का कारण होने पाए, तेरे महिमा का कारण ठहरने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड, जो भी दर्द और पेन इन दिनों में हो रही प्रभु जी आपके बच्चों को प्रभु जी, उस मार्ग से होते गुजरते समय प्रभु जी उस दर्द इस पेन को सहने के लिए भी ताकत दे, बल दे प्रभु परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा तू सहायता कर, मदद कर और फ्लरिश कर प्रभु परमेश्वर पिता। किसी के जीवन में अधूरा नहीं रहना चाहिए उद्देश्य प्रभु जी, पूरा होने चाहिए प्रभु जी, जिस मकाम तक पहुंचना है प्रभु जी उस मकाम तक पहुंचाने के लिए प्रभु जी आप सक्षम है प्रभु जी, आपका आत्मा गाइड करे और लेकर जाए, हाथ पकड़ के थाम के लेके जाए, आप प्रभु परमेश्वर पिता आप खड़ा कीजिए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, दुआ प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हैं मास्टर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ऐसे स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।